अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइब्स की। ये ट्राइब्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है, इनकी बूस्ट क्या है और इनकी अपग्रेडिंग कॉस्ट क्या है। ट्राइब्स ये हैं जी, ट्राइब्स सबसे पहले जो ट्राइब अनलॉक होता है वो रेडार लेवल 18 पे अनलॉक होता है और हेड क्वार्टर लेवल भी 18 उसके लिए चाहिए। सबसे पहला जो ट्राइब है वो स्प्रिट डेंसर ट्राइब है और ये येलो कलर में आपको शो हो रहा है। इस ये एक सपोर्टिव ट्राइब है। इससे जैसे कि आप देख रहे हैं अभी गोल्ड प्रोडक्शन जो है वो आई हुई है, तो इससे हमारी गोल्ड प्रोडक्शन और रिसोर्स रिवॉर्ड प्रोडक्शन जो है इससे इंक्रीज होगी। ये एक सपोर्टिव ट्राइब है। दूसरे नंबर पर है आइस गार्ड ट्राइब। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक डिफेंसिव ट्राइब है और इसके साथ जो हमारे डिफेंस हैं, हमारे कैनन और ये जितने भी डिफेंस हैं, इनके डैमेज आउटपुट को ये बढ़ाता है। तीसरे नंबर पर है फ्रॉस्ट बैनर ट्राइब। ये वाला फ्रॉस्ट बैनर ट्राइब और ये ऑरेंज कलर में है। इस ये भी एक डिफेंसिव ट्राइब है और ये इन हमारे जो हेड क्वार्टर है और उनकी जो जितने भी डिफेंसिव चीज़ें हैं उनकी ये हेल्थ को बढ़ाता है। ये दो डिफेंसिव हैं। तीसरे नंबर पर है फायर स्पाइक ट्राइब। ये वाला ट्राइब जो है वो हमारे डैमेज आउटपुट को, ट्रूप्स के डैमेज आउटपुट को बढ़ाता है, उनकी स्पीड को बढ़ाता है। अगर स्पीड वाला आएगा तो स्पीड को बढ़ाएगा, बाज़ोकात ये जो है डैमेज आउटपुट का निकलता है। पांचवें नंबर पर है जी एम्बर फ्यूरी ट्राइब। ये भी डिफेंसिव, ये भी अटैकिंग है और इसमें ट्रूप्स की हेल्थ आई है, अभी जो है वॉरियर्स की हेल्थ आई है। बाज़ोकात इसमें जो है वो टैंक्स की लाइफ लीच आती है, हेल्थ आती है, सॉकर्स की आती है। ये दो अटैकिंग है और ऊपर वाले दो डिफेंसिव थे। आखिर में लाइफ वेल ट्राइब रह गया, ये वाला लाइफ वेल ट्राइब, ये भी सपोर्टिव है और इसमें अभी जो आया हुआ है पावर स्टोन चांसेस आया हुआ है। और इसके अलावा अभी हम इसकी बूस्ट देखेंगे, तो अभी इसके ऊपर आप स्टार आपको नज़र आ रहे हैं। स्टार ये जितने लेवल का होगा उतने इसके ऊपर स्टार आ जाएंगे। अभी ये मैक्स लेवल के हमारे पास जो है वो ट्राइब्स हैं। मैक्स लेवल के ट्राइब्स की कैपेसिटी जो है वो रॉक क्रिस्टल की 4800 है। तो अभी इसका हम अपग्रेड देखते हैं। लेवल 5 के ट्राइब में हम 5 बूस्ट लगा सकते हैं और इसकी अभी जो रिवॉर्ड है ये वो 100% है। अगर हमारे पास ये लेवल 1 का होता तो इसका जो है वो मलेशिया रिवॉर्ड 20% होता। लेवल 2 में मलेशिया रिवॉर्ड 40% है। लेवल 3 में मलेशिया जो रिवॉर्ड है इसका 60%, लेवल 4 में 80% है और लेवल 5 में 100% इसका रिवॉर्ड है। अभी हम इसको बूस्ट करते हैं। इससे अगर हम बूस्ट करेंगे तो पहले हमें इसके ऊपर जो लगेंगे रॉ क्रिस्टल लेवल 1 बूस्ट के लिए 50 दरकार हैं और इसका हमें 15% जो है वो इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। लेवल 2 के लिए 100 चाहिए रॉक क्रिस्टल, लेवल 3 के लिए 150 चाहिए। ये जैसे जैसे हम बूस्ट करेंगे 50 जो है रॉक क्रिस्टल वो इजाफी होते जाएंगे। ये गोल्ड प्रोडक्शन का मैंने 5 जो है वो उसकी बूस्ट लगा सकता था और मैंने 5 बूस्ट लगा दी है। अगर गोल्ड प्रोडक्शन का हमारे पास स्टैच्यू होता बेस में तो 55% जो ये है और जो बेस में हमारे पास अगर कोई स्टैच्यू है गोल्ड प्रोडक्शन का तो जितने परसेंट वो है ये दोनों मिला के इसकी बूस्ट को बढ़ाएंगे। पावर स्टोन चांसेस पहले पे 50-50 जो है वो इनमें रॉक क्रिस्टल बढ़ते जाएंगे। पावर स्टोन चांसेस बहुत ज़रूरी है। वॉरियर हेल्थ, अगर तो आप वॉरियर यूज़ करते हैं तो इसको भी बूस्ट करेंगे, मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा बूस्ट करता हूँ। ज़ूका डैमेज, ये भी बहुत ज़बरदस्त बूस्ट है। ज़ूका जो है ऑपरेशन अटैक्स के लिए बेस्ट ट्रूप्स हैं, तो हम इसको 5 का 5 पूरे का पूरा जो है वो ट्रूप्स का बूस्ट करेंगे। 13 दिन आप देख रहे हैं ऊपर, 13 दिन 16 घंटे के लिए ये ट्राइब रहेंगे और उसके बाद फिर ये ट्राइब्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन हमने अगर इसको फुल अपग्रेड किया हुआ है तो इसकी जो अपग्रेड है ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ ट्राइब जो है वो चेंज होते हैं। अभी इसमें जो है हेल्थ है और डैमेज है, ये दो दो दफ़ा बहुत है। ये ट्राइब जो है वो कैसे बूस्ट होंगे, ये रॉक क्रिस्टल से बूस्ट होंगे। अभी मेरे पास रॉक क्रिस्टल्स जो है वो 2200 मौजूद हैं। अब ये रॉक क्रिस्टल्स कैसे हासिल होंगे, ये हमारी आप मैप में आएंगे तो ये देख रहे हैं। बेस के साथ ही, हेडक्वार्टर के साथ ही रॉक क्रिस्टल्स माइन है, तो ये रॉक क्रिस्टल माइन कन्वर्ट होंगे हमारे रिसोर्सेज से। चाहे आप यहाँ से कन्वर्ट कर लें, चाहे आप
वापस आएँ और यहाँ से कन्वर्ट कर लें, तो ये रॉक क्रिस्टल्स हमारे रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होंगे। अगर हमारे पास ट्राइब लेवल वन का है तो वो तो ज़ीरो से ही शुरू होगा। लेवल टू के, लेवल टू करने के लिए 100 रॉक क्रिस्टल्स चाहिए और 30 मिनट में ये अपग्रेड होगा, उसके साथ एक स्टार का इजाफा हो जाएगा। लेवल थ्री करने के लिए हमें 300 रॉक क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं और 2 घंटे में ये अपग्रेड होगा, उसके साथ एक और स्टार का इजाफा हो जाएगा। लेवल 4 और 5 इसी तरह जो है इनको अपग्रेड करने के लिए 600 रॉक क्रिस्टल और 900 रॉक क्रिस्टल चाहिए बिलतरतीब 4 घंटे में और 8 घंटे में ये अपग्रेड होगा। ये ट्राइब्स जो हैं हमारे सपोर्टिव हैं हमारे अटैक के लिए, डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।